क्वेश्चन नंबर 10, एक कंपोजिट वायर कंसिस्ट ऑफ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.0 मीटर विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 2 to 10.5 मीटर। इट इज आल्सो लोडेड विद अ मास ऑफ 200 केजी। फाइंड द वायर एक्सटेंशन रिड्यूस यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर इज दिस एंड स्टील इज दिस। ठीक है, टेक दिस फॉर 9.8 मीटर सेकंड माइनस इन दिस इज योर क्वेश्चन ना। तो देखिए ये आपका वायर है और दिस वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम रेजिस्टर सपोर्ट लेटर ऑफ स्टील वायर इज सस्पेंडेड फ्रॉम रेजिस्टर सपोर्ट ना और फ्री एंड ऑफ द स्टील वायर इज अटैच्ड विद कॉपर वायर। फ्री एंड ऑफ द स्टील वायर किससे अटैच है? कंपोजिट है कॉपर से है। तो ऊपर जो है आपका ऊपर क्या है स्टील और नीचे हमने कॉपर ले लिया, नीचे का वायर कॉपर ले लिया। कोई भी आप नहीं कर सकते, दोनों से वे भी कोई भी ऊपर ले सकते हैं, कोई भी नीचे ले सकते। 2.5 बोले 2.5 कहाँ 2.5 into 10^-5 और क्यों कर रखते हैं कोई एक अगर है। चलिए ये आपको वायर है, ये क्या है एल स्टील ले लेते हैं। एल स्टील की वैल्यू कितना है? एल स्टील वायर की लेंथ क्या है? 2 मीटर नहीं, स्टील वायर की लेंथ कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है। और कॉपर वायर की लेंथ कितना है? कॉपर वायर की लेंथ 2 मीटर है, 2.0 है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके ये रहे क्रॉस सेक्शनल एरिया। कॉपर
प्लस एम एस टी ये आपका पर आ जाएगा। मास तो दोनों ये सेम है ना, और ये क्रॉस सेक्शन ले लिया सेम है दोनों में, तो ये लेगा तो यहाँ ये पापर हो जाएगा, ठीक है। और एम जी एल स्टील क्रॉस एल स्टील अपन ये तो एक पापर और स्टील दोनों सेम वाई स्टील है वाई स्टील एल स्टोर कितना हो जाएगा बताओ एम जी वाई बाहर हो जाएगा एल कापर अपन वाई कापर और प्लस एल स्टीच अपन वाई स्टीच इसे बजा दीजिए एम की वैल्यू क्या है 200 जी वैल्यू है 20 ए की वैल्यू कितना दे रहे हैं 2.5 इनटू 10 रेट फॉर मंथ एल कापर की वैल्यू कितना है हाँ एल कापर आपका है, यही है। अब वो भी सही दो नंबर है।